गाइस फायरबोल्ट ने अपनी आज तक की सबसे ज्यादा प्रीमियम स्मार्टवॉच लॉन्च कर दी है जो कि रगेड केस में आती है, जिसमें तीन स्मार्टवॉचेस लॉन्च करी है दोस्तों रेसिंग सीरीज में, जिनका नाम है डायब्लो, ह्यूरेकन और एलिमेंटो। सो आज के इस वीडियो में हमारे पास में इसमें दो स्मार्टवॉचेस है, ह्यूरेकन और एलिमेंटो। सो इन दोनों स्मार्टवॉचेस की आज करेंगे अनबॉक्सिंग, एंड यहाँ पे इनका काफी ज्यादा प्रीमियम सा बॉक्स भी आ चुका है हमारे पास में, आप देख सकते हैं एकदम अलग है। इनकी जो नॉर्मल पैकेजिंग आती है इस वॉचेस की तो उनसे बिल्कुल अलग है, काफी बड़े बॉक्सेस है। सो इनमें देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस मिलता है अनबॉक्स का भी, एंड फीचर्स वगैरह क्या कुछ मिल जाते हैं इन वाली वॉचेस में और क्या लुक समय मिल जाती है। सो फिलहाल इस वीडियो को शुरू करें दोस्तों, लाइक कर देना, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा, एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस ये है हमारा ह्यूरेकन स्मार्ट वॉच का बॉक्स जो कि फायरबोल्ट ह्यूरेकन, यहाँ पे देख सकते हैं फायरबोल्ट रेसिंग सीरीज की है, ये 002 इसका मॉडल नंबर है, एंड KSX वॉच इनकी सीरीज का नाम है जो कि वो है। एंड यार काफी बढ़िया सा प्रीमियम पैकेजिंग वाला बॉक्स है, एंड ऊपर की तरफ भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ब्लेज दैट रेलवे टर्बोचार्ज टेक। सो यहाँ पे इस वाली वॉच में इन्होंने काफी कुछ काम करा है, एंड यहाँ पे एक अलग सा काफी हैवी केस मिल रहा है हमें जो स्टर्डी होगा काफी, एंड बहुत ज्यादा आपको रगेड वॉच जैसी फील देगा। रेसिंग एडिशन यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड इस साइड में कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस मेंशन की गई है, जैसा कि 1.95 इंचेस की IPS डिस्प्ले यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाती है जिसके अंदर, उसके अलावा दोस्तों रगेड ट्रांसपेरेंट केस मिल जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्लूरो इलास्टोमर स्ट्रैप के साथ में, एंड यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, मोशन सेंसर गेमिंग मिल जाती है, NFC भी मिल जाता है इस वाली वॉच में, ब्लूटूथ कॉलिंग तो है ही, उसके बाद कंप्लीट हेल्थ सूट तो मिल ही जाता है। बैक साइड की बात करें तो दोस्तों बैक साइड में काफी कुछ मेंशन किया गया है, इसकी प्राइसिंग डिटेल्स मेंशन है, एंड क्वांटिटी वगैरह मेंशन है, बॉक्स के अंदर क्या कुछ मिल जाता है, पल्स ऑफ रेसिंग लिखा है। सो अब यार टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं, एंड ओपन करने के बाद देख लेते हैं हमारा क्या कुछ मिलता था हमें इसके बॉक्स में। सो इसकी ऊपर की रैपिंग हमने हटा ली है, एंड यहाँ पे एक सील लगी हुई है, उसको हमें कट करना होगा। सो इसको ओपन दोस्तों करने का कुछ इस तरीके से है, ऐसे आपका ये हटाना है फ्लैप, एंड ये ओपन हो गई हमारी वॉच। सो यार यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर की साइड भी आपको कुछ एक पॉकेट मिल जाती है जिसके ऊपर लिखा है फायरबोल्ट रेसिंग KSX वॉच, एंड इसके अंदर हमें कुछ रखा हुआ मिल जाता है पैम्पलेट टाइप। सो इसके ऊपर दोस्तों कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं इन्होंने, एंड बताया हुआ है ये वाली वॉचेस कैसे डिज़ाइन की गई है, एंड कितनी ज़्यादा मतलब इनकी रेसिंग एडिशन की अलग से है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। सो ये काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है, काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है इस वाले बॉक्स को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है हमारा वॉच का सारा सेक्शन, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्रीमियम पैकेजिंग है। सबसे पहली बात जो फील करेंगे वो इसकी पैकेजिंग ही है, एंड डेफिनेटली से काफ़ी तगड़ा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस लग रहा है इस वाली वॉच का। सो दोस्तों ये जो मटेरियल है ये पूरा एक सॉफ्ट फाइबर जैसे क्लोथ टाइप का मटेरियल है, और यहाँ पे हमें जो टूल मिल जाता है एक यहाँ पे रखा हुआ है इसको ओपन वगैरह करने के लिए। सो ये वाला टूल आप देख सकते हैं छोटा सा स्क्रू ड्राइवर है बेसिकली, एंड ये हमें यहाँ पे रखा हुआ मिल जाता है। उसके बाद ये है हमारा केस इसका, जिसके अंदर हमारी जो वॉच है फिट होगी, एंड यार ये है इसका जो स्ट्रैप है हमें लगा हुआ मिलता है, और ये इसका हार्ड केस है बेसिकली सिल्वर पैकेजिंग में। सो इसको भी हटा लेते हैं एक बार। तो यार ये है इसका सिल्वर प्लेटेड पूरा एल्यूमिनियम का केस है ये पूरा, एंड काफ़ी ज़्यादा रगेड फील दे रहा है यार, बहुत ज़्यादा अच्छे मटेरियल से बना हुआ है ये। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी कमाल की लग रही है कि इसमें बटन्स वगैरह जो दिए गए हैं ऊपर की साइड, और यहाँ पे फायरबोल्ट का लोगो भी लगा हुआ है, नीचे अलग सा बटन है जो कि वॉच के डायल के अंदर होंगे बटन्स प्रेस करने के लिए जब आप इसमें फिट करेंगे उसे। सो सारे कटआउट्स भी इसमें दिए गए, एंड जो स्ट्रैप है वो इस तरीके का दोस्तों इसका सिलिकन मटीरियल में है, लेकिन ये थोड़ा अलग डिज़ाइन में है और थोड़ा सा और बेटर मटीरियल है। उसके अलावा दोस्तों हमारी वॉच का डायल यहाँ पर रखा हुआ है एकदम प्रीमियम सी पैकेजिंग में, फायरबोल्ट की ब्रांडिंग मेंशन है यहाँ पे, एंड एप्पल वॉच जैसे रखी होती है ना बॉक्सेस में वैसे ही यहाँ पे रखी हुई है ये, और यहाँ पे जो लुक है वैसे ही है बिल्कुल, जो स्क्रोलेबल व्हील है यहाँ पे या फिर नीचे वाला जो बटन है वो भी एकदम बढ़िया तरीके से रखा हुआ है। सो इसको एक बार फिलहाल बाद में देखते हैं, यहाँ पे एक टूल बॉक्स भी रखा हुआ है, इसको देख लेते हैं इसमें क्या कुछ है हमारा। सो टूल बॉक्स में बेसिकली दोस्तों हमें इसकी जो है यूज़र मैनुअल मिल जाती है वॉच की, इसके अलावा हमें यहाँ पे एसेसरीज मिल जाती है, एंड उसके बाद कुछ हमें यहाँ पे कार्ड्स वगैरह मिल रहे हैं, बुक माई शो वाउचर वगैरह ये सब चीज़ें आपको मिल जाते हैं, अडेप्टर वगैरह बताया हुआ है कौन सा यूज़ करना है, और भी कुछ एक्साइटिंग वाउचर्स हैं, एंड वारंटी कार्ड भी आपको मिल जाता है इसमें। और यहाँ पे ये जो वॉच है कंपेटिबल है FB एक्टिव ऐप के साथ, तो यहाँ पे FB एक्टिव आपको डाउनलोड करनी है वॉच की ऐप इसको कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों एक प्रोडक्ट मैनुअल इस बार अलग से दी गई है, इसमें पार्ट्स वगैरह के बारे में
बताया हुआ है कैसे आप इंस्टॉल कर पाएंगे अपने डायल को अपने इस केस के अंदर, तो सब कुछ बताया हुआ है, वो मैं करके दिखाई दूंगा इस वीडियो में आपको। देन उसके बाद दोस्तों हमारा जो है वायरलेस चार्जिंग का डॉक मिल जाता है, बिकॉज ये वॉचेस सपोर्ट करती है वायरलेस चार्जिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा हमें वायरलेस चार्जिंग वाला डॉक मिल जाता है, एकदम ईजी तरीके से आप इस पे रख के चार्ज कर पाएंगे वॉच को। एंड भाई लास्ट में हमें जो मिल जाता है एक एडिशनल स्ट्रैप मिल जाता है जो कि सिलिकन स्ट्रैप है, जिसकी वजह से आप इसकी लुक को एकदम कैजुअल वाली या फिर मैं कहूँ एप्पल वॉच वाली बना सकते हैं, बिकॉज स्ट्रैप जो है बिल्कुल सेम वैसा है जैसा एप्पल वॉचेस में हमें देखने को मिलता है। तो डायल भी कुछ वैसा ही है, एंड डायल और स्ट्रैप को मिला के अगर आपको नॉर्मल कैजुअल वाली फील चाहिए तो ये लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको हार्ड केस तो मिल ही रहा है इसके साथ में, जिसके साथ आप इसकी लुक को एकदम तगड़ी रगेड वॉच जैसी बना सकते हैं। एंड दोस्तों जो मैं आपको एसेसरीज का पैकेट बता रहा था उसके अंदर बेसिकली एक स्लीव सी है, प्रोटेक्शन स्लीव, जो कि आपके वॉच के डायल के चारों तरफ लग जाएगी जब आप इसको अपने इस हार्ड ट्रांसपेरेंट केस में लगाएंगे, बिकॉज इससे इसमें स्क्रैचेस ना आए उसके लिए ये प्रोटेक्शन दे रखी है। एंड इसमें सारे कटआउट्स वगैरह हमें देखने को मिल जाते हैं इजीली, सो इसको आप इजीली फिट कर पाएंगे अपनी वॉच में। तो वॉच की रैपिंग अगर हम हटाएं डायल की, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है डायल है, पूरा एल्यूमिनियम का फ्रेम है यहाँ पे, और जो एकदम क्वालिटी है ना भाई इसकी, वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लग रही है इस वाले डायल की भी, एंड बहुत ज़्यादा सही भी लग रही है। और यहाँ पे ऊपर फायरबोल्ट का स्टिकर भी लगा हुआ है, बेसिकली अगर आप इस पर स्लीव लगाते हैं ये तो कुछ इस तरीके से लगती है। तो यार इस तरीके से हमारी जो स्लीव फिट हो चुकी है, पूरे कटआउट्स वगैरह इसमें अच्छे से दिए हुए हैं साइड में स्पीकर वगैरह के, माइक्रोफोन वगैरह के, तो इस तरीके से आपका बैक साइड भी है। अब ये प्रोटेक्शन रहेगी आपकी वॉच की जब आप इसमें फिट करेंगे। तो गाइज अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस तो बहुत तगड़ा था यार इस वाली वॉच का, एंड काफ़ी टाइम बाद हमें किसी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने में इतना मज़ा आया जिसमें इतना सब कुछ हमें देखने को मिला, इतने सारे बॉक्स कॉन्टेंट्स। अब जल्दी से जो फायरबोल्ट एलिमेंटो है हमारे पास उसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, एंड उसमें भी देख लेते हैं हमें क्या कुछ मिल जाता है। सो गाइज ये तो हो गई दोनों की बात, यहाँ पे हमारे पास ह्यूरिकन देख ली हमने, एलिमेंटो की अनबॉक्सिंग देख ली, अनबॉक्सिंग दोनों की देख ली। मैं फटाफट से दोनों के डायल सेट कर देता हूँ, डायल सेट करने के बाद आपको दिखाता हूँ कैसी लुक लगती है दोनों ही वॉचेस की। तो गाइज इंस्टॉलेशन का बता देता हूँ आपको कैसे करनी है। सो बेसिकली आपके पास ये दोनों डायल्स हैं, दोनों केसेस हैं, सो इन दोनों केसेस का जो बैक पैनल है वो ओपन मिलेगा आपको। सो इसको आपको हटाना है, एंड सिंपली आपका जो वॉच पे स्लीव लगाने के बाद आपको इसके अंदर फिट कर देनी है। सो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारी जो वॉच है ना फिट हो गई है ऊपर, एंड ऊपर मैंने स्टिकर नहीं हटाया, आपको दिखा रहा हूँ जस्ट। सो स्टिकर वगैरह हटा लेना सब कुछ, स्लीव लगा लेना, देन आप इसके बटन वगैरह पूरे सेट हो जाएंगे। बैक पैनल को लगाना इसके ऊपर, एंड बैक पैनल को लगाने के बाद आपको जो स्लीव मिली थी ना जिस पैकेट में, उसके अंदर छोटे छोटे स्क्रूज भी हैं, सो उन स्क्रूज को लेना है आपको, और ये वाला जो आपका स्क्रू ड्राइवर मिला है इसके बॉक्स में, इसके थ्रू उनको फिट कर देना है इसके चारों कॉर्नर्स में। सो आपकी वॉच तैयार हो जाएगी फिर। सो मैं एक बार कर देता हूँ ये सारी चीज़ें, आपको बेसिकली बताना था कि कैसे आपको सेट करना है, इससे कि आपको आइडिया रहे। सो फटाफट से ये कर देता हूँ, देन आपसे दिखाता हूँ आपको दोनों वॉचेस की लुक। सो गाइज मैंने कर लिए दोनों ही वॉचेस को रेडी, दोनों को सेट कर दिया इनके फ्रेम में, एंड केस देख सकते हैं आप दोनों का। ये है एलिमेंटो जो कि इनकी सबसे प्रीमियम वॉच है जो कि आती है 8,000 रुपये की, एंड ये है ह्यूरिकन जो कि आती है 7,000 रुपये की, जिसका आपको दिख रहा है ये एल्यूमिनियम का केस, एंड पूरी सेट कर दिया मैंने, दोनों के स्क्रूज टाइट कर दिए। आपको भी सिमिलर वैसे ही करना है जैसा कि मैंने आपको दिखाया है वीडियो में कैसे सेट करना है दोनों के डायल्स को। फिलहाल मैं दोनों को ऑन करता हूँ, एंड बात करते हैं इनके लुक्स एंड डिज़ाइन की सबसे पहले। सो गाइस दोनों ही वॉचेस स्टार्ट हो चुकी है, एंड ब्रांडिंग आ चुकी है फायरबोल्ट की, एंड ये हमारी वॉचेस ऑन हो चुकी है, और यहाँ पे वॉच फेसेस आप देख सकते हैं। बेसिकली जो वॉच फेसेस हैं उनको आप स्क्रोलेबल व्हील से इंस्टेंटली कर सकते हैं रोटेट, यहाँ पे आप इनको कर सकते हैं, एकदम फिट हो जाता है आपका जो स्क्रोलेबल व्हील है ना वॉच का, जब आप कैप्सूल इसके अंदर लगाते हैं तो एकदम अच्छे से आप रोटेट वगैरह कर पाएंगे। सो यहाँ पे जैसे कि ये है, एंड इस वाली वॉच में भी सिमिलर तरीके से आप चेंज कर पाएंगे वॉच फेसेस। सो फीचर्स मोस्टली आपको सिमिलर मिल जाते हैं दोनों ही वॉचेस में, सो फीचर्स आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपको पहले लुक दिखा देता हूँ। भाई साहब लुक देखो आप इस वॉचेस की, कितनी ज़्यादा तगड़ी लग रही है। ये पूरा एल्यूमिनियम का फ्रेम, ये पूरा स्टेनलेस स्टील का फ्रेम प्लस बॉडी पूरी, और ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी है, ये वाली और भी ज़्यादा हैवी है, पूरी स्टेनलेस स्टील की चेन है इसकी। इसमें आपको थोड़ा सिलिकन टाइप का स्ट्रैप मिल जाता है, बट एल्यूमिनियम का जो ये डायल
वगैरह का केस है इसका, ये बहुत ज़्यादा हैवी है। सो दोनों ही काफ़ी अच्छे खासे वेट किया, बस ये वाली और भी ज़्यादा हैवी है, काफ़ी प्रीमियम सी लगती है। लेकिन यार कमाल की लग रही है वॉचेज, और ये फायर बोल्ट की पहली वॉचेज है मतलब जो इतनी ज़्यादा प्रीमियम है और इतने ज़्यादा प्राइस पॉइंट पर आ रही है। सो यार काफ़ी बढ़िया लगा मुझे इनका एक्सपीरियंस भी, एंड बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है वॉचेज भी देखने में। सो आप बताना आपको कैसी लग रही है दोनों की। फिलहाल दोस्तों अब बात कर लेते हैं वॉच के फीचर्स के बारे में। सो यहाँ पे जो भी फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये फीचर्स आपको तीनों वॉचेस में मिल जाते हैं, डायब्लो, ह्यूरेकन और एलिमेंटो। बस यहाँ पे केसेस वगैरह का डिफरेंस जो है वो है स्ट्रैप वगैरह का, तो उस वजह से प्राइस डिफरेंस भी है। तो ये सबसे टॉप मॉडल इनका एलिमेंटो, इसके फीचर्स आपको दिखा देता हूँ। तो ऊपर से नीचे अगर आप स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे आपका कंट्रोल सेंटर खुल जाता है, जहाँ पे आपको सेटिंग्स का आइकन मिल जाता है। तो सेटिंग्स में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि स्टाइल मोड है, तो स्टाइल मोड में जाएंगे तो ये मेन्यू स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन है, 8 मेन्यू स्टाइल्स आप चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेजेस में चलते हैं तो लैंग्वेजेस में आपको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस मिल जाती है सिलेक्ट करने को, यहाँ पे वॉच में ही इंस्टेंटली आप चेंज कर सकते हैं। देन आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, सो इस तरीके से आप बढ़ा घटा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों स्क्रीन टाइम का ऑप्शन मिल जाता है आपको, यहाँ पे कितना ज़्यादा रखना है आपको, 60 सेकंड या फिर ऑलवेज ब्राइट। सो अभी फिलहाल के लिए ऑलवेज ब्राइट कर देते हैं हम वीडियो के लिए। देन दोस्तों वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, वाइब्रेशन इंटेंसिटी बढ़ाने घटाने का ऑप्शन है, एंड इसको आप सेट करके रख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, जहाँ पे आप नोटिफिकेशन लाइट्स आप, यानी कि नोटिफिकेशन कोई आए तो आपकी वॉच की लाइट ऑन हो जाए, और नोटिफिकेशन वाइब्रेशन दोनों को एनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। देन आपको रिंगटोन का ऑप्शन मिल जाता है, रिंगटोन में आप कॉल रिंगर को सेट कर सकते हैं, 3 रिंगटोन है या फिर नन आपको रखनी नहीं है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा नोटिफिकेशन टोन को भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। देन दोस्तों अलार्म्स का ऑप्शन है, यहाँ पे अलार्म की रिंगटोन भी आप सेट कर सकते हैं कौन सी रखनी है आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन दिया गया है, देन आपको रेज टू वेक वाला ऑप्शन दिया गया है जो कि आप एनेबल कर सकते हैं, और टाइमर भी सेट कर सकते हैं उस पर कि कितने टाइम तक रहना चाहिए ये फीचर ऑन। देन यहाँ पे आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपनी वॉच का पासवर्ड भी। तो ये सारे सिक्योरिटी फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं इसमें। देन आपको टाइम सेटिंग्स भी मिल जाती है, ऑटोमेटिक सिंक रखना है या फिर आपको मैनुअल सेट करना है वो देखना है आपको। देन यहाँ पे कस्टमाइज बटन वाला ऑप्शन है, बेसिकली ये नीचे वाले बटन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप नीचे वाले बटन से कौन सा परफॉर्म करना चाहते हैं एक्शन वो को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं फ़ोन कॉल्स वाला सेट करता हूँ, सो यहाँ पे अगर हम इसको डायरेक्ट दबाते हैं तो ये फ़ोन कॉल्स वाला मेन्यू एकदम से खोल देता है। सो यहाँ पे आप कोई भी सेट कर सकते हैं एकदम से, इंस्टेंटली बटन दबा के प्रेस करके कोई भी एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। देन बेड साइड लैंप वाला ऑप्शन एक मिल जाता है दोस्तों, इसको अगर आप ऑन करके रखते हैं ना तो उससे दोस्तों जब आपकी वॉच चार्जिंग पे होगी या फिर आपने साइड में रखी होगी तो यहाँ पे आपका जो है टाइम वगैरह शो करेगा वो सिंपली, जैसे एप्पल वॉच में एक फीचर है ना बेड साइड लैंप वाला, वैसे इसमें भी आपको सेम काम करते हुए मिलेगा। एंड ये दोस्तों यहाँ पे आपको वॉच भी मिल जाएगी इस तरीके से एनालॉग वाली, या फिर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आपका जो चार्जिंग पे लगा के रखेंगे तो एकदम जो बेड साइड लैंप वाला जो फीचर आपको एप्पल वॉच में मिलता है वैसा सा आपको देखने को मिलती है इसमें भी स्क्रीन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कनेक्टिव और फोन वाला फीचर आता है, यहाँ पे स्कैन करने के लिए QR कोड वगैरह। देन पावर सेविंग मोड भी आप इसको ऑन ऑफ यहाँ से भी कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन है वॉच का, यहाँ पे अबाउट सेक्शन में जाके आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं वॉच के डिवाइस के बारे में। देन यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट वाला ऑप्शन है, पावर ऑफ वाला ऑप्शन है। सो ये सारे इसके सेटिंग्स में आपको फीचर मिलता है जो कि काफ़ी सारे हैं। देन दोस्तों यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाता है कॉलिंग के लिए डायरेक्टली यहाँ से इंस्टेंटली करने के लिए। बैटरी का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से बैटरी सेविंग आप ऑन ऑफ कर सकते हैं डायरेक्टली, और बैटरी परसेंटेज शो करता है यहाँ पे। ब्लूटूथ कनेक्शन का स्टेटस ऊपर शो कर रहा है, यहाँ पे रेड दिखा रहा है सिग्नल, ग्रीन हो जाएगा जब आप कनेक्टेड रखेंगे अपने फ़ोन से। देन यहाँ पे कॉलिंग वाले फंक्शन को ऑन करेंगे, ऑन करना चाहते हैं तो इसको ऑन करके रखें तो आपका ऑन रहेगा ब्लूटूथ से सारी चीज़ें, यानी कि मीडिया ऑडियो और कॉलिंग सब कुछ ऑन रहेगा इससे। देन दोस्तों आपका थीम चेंज करने का स्टाइल यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। SOS का फीचर है यहाँ पे दोस्तों, इसको अगर आप टैप करेंगे तो इसकी ऐप में जाके आपको सबसे पहले तो एक नंबर सेव करना पड़ेगा SOS से रिलेटेड। सो आप जब को इसको टैप करेंगे सो यहाँ पे ये अलार्म लगाने बजाने लग जाएगा SOS का, और इंस्टेंटली आपका जो कॉन्टैक्ट सेव होगा SOS वाले में सो उसके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी, मैसेज या कॉल चला जाएगा उसके पास इंस्टेंटली। सो SOS का फीचर यहाँ पे दिया हुआ है अच्छा खासा। देन दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाता है वॉच का अबाउट सेक्शन भी, एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन है जिसमें आप जाके ऐप्स मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं। उसका दोस्तों राइट स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे और फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको अलार्म्स का ऑप्शन मिल जाता है, ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे आपको ये वाटर ड्रेनिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपकी वॉच में वाटर घुस जाता है तो ये सेल्फ ड्रेनिंग करने लग जाएगा उससे वाइब्रेशन वगैरह के थ्रू। देन NFC का ऑप्शन भी मिल जाता है आपको यूज़ करने के लिए, NFC कंपेटेबल डिवाइसेस के लिए आप इसको सेटअप कर सकते हैं अपनी ऐप में जाके। देन यहाँ पे आपको मिल जाता है एक लोकेशन यानी कि GPS वाला सिस्टम, क्योंकि ये इनबिल्ट GPS के साथ में आती है वॉच, तो यहाँ पे उसके साथ आप ट्रैकिंग कर सकते हैं अपना इन स्पॉट्स
मोड में जीपीएस ट्रैकिंग आपको मिल जाती है। देन आपको यहाँ पे डीएनडी मोड मिल जाता है, टॉर्च भी मिल जाती है, तो टॉर्च आप यहाँ से एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पावर ऑफ ऑन का बटन मिल जाता है, पावर ऑफ का। सो ये सारे आपको कंट्रोल सेंटर में मिल जाते हैं, इतने सारे कंट्रोल्स। एंड दोस्तों नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको सारा नोटिफिकेशन सेंटर मिल जाएगा। लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपका हाफ मेन्यू खुल जाएगा, जहाँ पे आप इंस्टेंटली कुछ एक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैसेजेस को ओपन कर सकते हैं इंस्टेंटली, या फिर टॉर्च को यहाँ से एनेबल डिसेबल कर सकते हैं इंस्टेंटली। उसके बाद कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, टाइम वगैरह देख सकते हैं। देन राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपके क्विक कार्ड्स खुल जाएंगे, जैसे कि एक्टिविटी कार्ड है, उसके बाद स्लीप मॉनिटरिंग है, हार्ट रेट है। यहाँ पे और भी विजिट्स आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से, और माइनस भी कर सकते हैं, आपको जो सी रखनी है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं आप। दोस्तों बटन्स की बात करें तो यहाँ पे दो बटन्स आपको दिए गए हैं, नीचे अलग बटन है, ऊपर अलग बटन है। तो स्क्रोलेबल व्हील से आप एक तो बेसिकली आप इसको रोटेट करके वॉच फेसेस तो चेंज कर ही पाएंगे इसके वॉच के। उसके अलावा दोस्तों प्रेस करेंगे तो आपका एप्स मेन्यू खुल जाएगा। एप्स मेन्यू में आपको क्या क्या मिल जाता है, एक्टिविटी कार्ड है, उसके बाद स्लीप मॉनिटरिंग, हार्ट रेट, ECG, ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं आपको टेस्ट करने के लिए। देन दोस्तों स्पोर्ट्स मोड्स है आपका, यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल भी दिया गया, कैमरा कंट्रोल भी है, वेदर फोरकास्ट भी है, नोटिफिकेशन, फोन डायल पैड, ये सारी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। वॉइस कंट्रोल भी आपको मिल जाता है, आपके फ़ोन का वॉइस असिस्टेंट यूज़ करेगा इससे। देन आपको अलार्म्स का ऑप्शन मिल जाता है, ब्रीथ एक्सरसाइज मिल जाती है, कैलकुलेटर भी आपको मिल जाता है यहाँ पे इजीली यूज़ करने के लिए, टाइमर, स्टॉप वॉच। माई कार्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे आप अपने कार्ड सेव कर सकते हैं, अपने QR कोड्स बेसिकली सेव कर सकते हैं, प्रोफाइल्स कोई भी अपनी ऐप में सिंक होएगा बेसिकली ये। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिसिप्ट कोड का ऑप्शन है, यहाँ पे PayPal की पेमेंट्स आप रिसीव कर सकते हैं, इसमें सब कुछ सिंक करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें ऐप में कर सकते हैं बेसिकली इसकी। देन यहाँ पे फाइंड माई फोन वाला ऑप्शन है, जिसको आप यूज़ कर पाएंगे सिंक करने के बाद, कनेक्ट करने के बाद फ़ोन से। फ्लैश लाइट यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, थीम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैसेजेस का ऑप्शन भी है, यहाँ पे दोस्तों फीमेल साइकिल ट्रैकिंग भी दिया गया। देन गेम्स का ऑप्शन है एक, तो यहाँ पे गेम्स यहाँ पे मोशन सेंसर गेमिंग के साथ मिलती है, तो मैंने एक वीडियो में बताया था मोशन सेंसर गेमिंग वाली, आप ऊपर कार्ड आ रहा होगा उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कैसे यूज़ होती है मोशन सेंसर गेमिंग इन वाली वॉचेस में। एंड काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं भाई साहब आप इसमें गेमिंग जो है मोशन सेंसर, वॉच को पहन के ही आप मूवमेंट करेंगे तो मोशन सेंसिंग गेमिंग आप कर सकते हैं। देन ऐप स्टोर भी यहाँ पे दिया गया है, जिसके अंदर आपको एल्टीट्यूड, ब्लड प्रेशर और मृत्यु, ये तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों GPS मूवमेंट वही वाला है जो आप GPS ट्रैकिंग कर पाएंगे कुछ स्पोर्ट्स मोड के साथ में। देन थर्मोमीटर भी यहाँ पे दिया गया, तो थर्मोमीटर की चीज़ भी आपको दी गई है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे थर्मोमीटर का ऑप्शन भी है। उसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे सेटिंग्स, जो कि हमने सारी चेकआउट कर ही ली है। सो ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं दोस्तों हमें, एंड ये आप रोटेटेबल व्हील के थ्रू भी एक्सेस कर पाएंगे पूरे ऐप मेन्यू को। और उसके अलावा दोस्तों आपका जो अपर बटन है स्क्रोलेबल व्हील वाला, वो एज अ होम बटन भी आपका यूज़ कर सकते हैं आप, होम बटन की तरह भी यूज़ हो सकता है वो। एंड नीचे वाला बटन, जैसा कि मैंने बताया कि हमें सेट करना पड़ता है सेटिंग्स में, जैसे हमने सेट करा था तो प्रेस करूंगा तो अभी कॉलिंग मेरा सेट है, तो कॉल वाला फंक्शन यहाँ पे इंस्टेंटली खुल जाएगा। एंड गाइस जो फीचर्स मैंने आपको इसमें दिखाई इस वाली वॉच में, वही सेम फीचर्स आपको उस वाली वॉच में भी मिल जाते हैं, बिल्कुल सेम फीचर्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। सो आपको सिंपली जो चीज़ें दिखाई है मैंने आपको, तीनों वॉचेस पे लागू होती है, वो एलिमेंटो, ह्यूरेकन और डायब्लो। सो आप कोई सा ही मॉडल ले रहे हैं, फीचर्स आपको एकदम सेम मिलने वाले हैं, जस्ट आपका जो केस है या फिर लुक्स है उनका अलग होने वाला है, उनका डिफरेंस होने वाला है। तो आप एक बार इसकी ऐप से कनेक्ट कर लेते हैं, एंड ऐप में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ऊपर ऊपर से कि क्या कुछ मिल जाता है। सो गाइस हमने जो है इसकी ऐप डाउनलोड कर लिया, सेटअप कर लिया कंप्लीट, यहाँ पे वॉच को हमने कनेक्ट कर लिया अपनी ऐप से। तो यहाँ पे आपको डिवाइस सेक्शन में चल के दिखाता हूँ, ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको जो वॉच का मॉडल नंबर वगैरह मेंशन हो जाएगा, आप जो भी वॉच कनेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे आपको वॉच फेस की मार्केट मिल जाएगी, यहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्लाउड वॉच फेसेस होते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं आप इजीली, काफ़ी इंस्टेंटली, और लाइव वॉच फेसेस भी आपको मिल जाते हैं। माय डायल में जाएंगे तो यहाँ पे कस्टमाइज वाला भी मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कस्टमाइज के तीन ऑप्शन है, यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हैं, एंड इंस्टॉल भी कर सकते हैं, जो आप इंस्टॉल करेंगे वो दिखा देगा नीचे। उसके बाद दोस्तों ऐप्स मार्केट में यहाँ पे में ऑप्शन मिल जाता है आपको, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कोई भी गेम डाउनलोड करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी गेम्स आपको मिल जाती है, ऐप्स मिल जाती है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं भाई इसमें। तो मतलब ये चीज़ अच्छी लगी मुझे कि यहाँ पे एडिशनल ऐप्स का सपोर्ट दिया गया, जो कि आप इसी की ऐप मार्केट में से डाउनलोड कर सकते हैं अपनी वॉच में।
देन दोस्तों मैसेज नोटिफिकेशन यहाँ पे सेट कर सकते हैं कौन सी ऐप्स की नोटिफिकेशन चाहिए या नहीं। ये जो गेम्स का ऑप्शन है सोमेटो सेंसरी गेम जो ये दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे अगर आप तो ये जो है मोशन सेंसर गेमिंग वो है, ये वाली गेम्स आप यूज़ कर पाएंगे मोशन सेंसर गेमिंग के लिए। यहाँ पे एंटर द गेम आप किसी भी गेम पे करेंगे, वॉच को पहना होगा आपने तो ईजिली आप जो एक्शन वॉच को पहन के करेंगे अपने हैंड से वही आप गेम पे प्ले कर पाएंगे। बेसिकली आपको रियल वाला एक्सपीरियंस मिलेगा एकदम। हार्ट रेट, हेल्थ वगैरह ये सब कुछ आप यहीं से सेट कर पाएंगे। फाइंड माई वॉच वाला ऑप्शन भी है यहाँ पे। ब्लूटूथ कैमरा यानी कि कैमरा अगर आपको कंट्रोल करना है, फोटोज क्लिक करनी है वॉच से तो यहाँ से कर पाएंगे। बाकी सारी चीज़ें वेदर वगैरह की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से सेट कर पाएंगे। जो मैंने आपको बताया था पेमेंट कोड्स आप अपने माई कार्ड्स यहाँ पे सेट कर पाएंगे, सारे सिंक कर पाएंगे अपने कोड्स। कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वॉच में वो कर पाएंगे एंड फर्मवेयर अपग्रेड कर पाएंगे वॉच का। सो ये सारे फीचर्स आपको इसकी ऐप में मिल जाते हैं ईजीली। आप इसकी करते हैं FB एक्टिव के नाम से इसकी एप्लीकेशन है, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पर ही आपको मिल जाएगी ये वाली ऐप। दोस्तों अब एक बार ब्लूटूथ कॉलिंग भी आपको चेक करके बता दूँ इस वाली वॉच की। सो यहाँ पे मैंने जो ब्लूटूथ कॉलिंग का सेट किया हुआ है डायरेक्टली ओपन कर लिया मैंने। देन यहाँ पे हम चलेंगे डायल पैड में, कोई भी नंबर डायल करते हैं एंड उसको डायरेक्टली इंस्टेंटली कॉल लगा देते हैं। सो ये बेसिकली इंस्टेंटली डायरेक्टली कॉल लग जाएगी इस वाली वॉच में एंड इसका स्पीकर सुन सकते हैं आप कितना लाउड है। तो यार ये चीज़ आपने देखा है कितनी ज़्यादा लाउड है, इसका स्पीकर कितना लाउड है। बस यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे कंट्रोल्स नहीं दिख रहे हैं मुझे कहीं पे भी, वॉल्यूम का या फिर हमें म्यूट करने का ऑप्शन, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं मिल रही है कॉल वाले ऑप्शन में, जो कि यार होना चाहिए था बेसिकली। सो बेबी अपग्रेड के बाद या ये कुछ अपडेट पुश कर दें इस वॉच के लिए जिसमें आपको मिल जाएं वो सब ऑप्शंस भी, बट फिलहाल यहाँ पे कट करने का ही ऑप्शन है सर जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं। कॉल रिकॉर्ड्स भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जो आपने करी होंगी। तो दोस्तों ये थी हमारी फायरबोल्ट ह्यूरेकन और फायरबोल्ट एलिमेंटो स्मार्ट वॉचेस। एंड फायरबोल्ट डायबलो हमारे पास नहीं है बट वो भी सिमिलर है, बस वहां पे जो केस है वो अलग ट्रांसपेरेंट जैसा है उसमें। सो डायबलो का प्राइस जो है 6,000 रुपए, ह्यूरेकन का प्राइस 7,000 रुपए एंड एलिमेंटो का प्राइस है 8,000 रुपए। सो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आया वॉच का स्ट्रैप, वॉच का केस, उस हिसाब से आप अपना बाय कर सकते हैं। एंड ये प्रीमियम से बॉक्सेस जो हैं आपको भी मिलेंगे, जब आप परचेज करेंगे तो आपको भी सेम ऐसा ही बॉक्स मिलेगा वॉच का, जो कि आप इजीली बाय करके एंड अपनी सारी चीज़ें यार देख सकते हैं, सब कुछ टूल्स मिलेंगे वॉचेस को सेट करने के लिए अपने हिसाब से। सो मुझे बताना आपको कमेंट करें वीडियो कैसी लगी, वॉचेस कैसी लगी, वॉचेस काफ़ी कमाल की है, लाइक कर देना वीडियो पसंद आए तो, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में जल्दी ही, टिल देन बाय बाय।